हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और हर बार एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो प्राकृतिक आपदाएं कितनी तरह की होती है और उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए और अपने जो इतिहास उसके अंदर कौन सी नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि नवंबर के बाद इस चैनल पे हमारी कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं आएगी। आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है वो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है निमीज़ नेट प्रो के नाम से। उस चैनल पे दोस्तों हम आगे की जितनी भी वीडियोज़ है एजुकेशनल वो उसी पर डालेंगे और दिसंबर में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों सभी शिफ्ट के हम लाइव वीडियो डालेंगे उस चैनल पर। उसमें हम दिखाएंगे कि एग्ज़ाम के बाद पूछेंगे स्टूडेंट्स से कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं अब की बार भी। तो दोस्तों वो वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो केवल और केवल हम उसी चैनल पे डालेंगे। तो दोस्तों उस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। और उस चैनल पर दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी आगे की सभी वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम यानी कि नेचुरल हैजार्ड का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए या फिर भूस्खलन हो जाए तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल तरीके से हमारा नुकसान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये हमारे लिए बस थोड़ा बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या होता है। और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा दोस्तों कि जो कोई दे देंगे कि जैसे हेथी तूफान है वो कहाँ पे आया था, सुनामी है वो कब कौन सी ईयर के अंदर आई थी, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जैसे कि प्राकृतिक खतरे हैं, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप आने से जो सुनामी उठती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक खतरे कहेंगे। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो प्राकृतिक आपदा है वो कितने तरह की होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें से टाइप में से भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो इनके सभी टाइप हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्भीय आपदा, यानी कि भूमि से जो जो आपदा होती है। एक होता है ज्वालामुखी, फिर होता है भूकंप, फिर होता है भूस्खलन, फिर होता है हिमस्खलन, फिर होता है सिंक होल। और इनके बारे में हम आगे से डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इन सभी के टाइप देख लेते हैं। फिर हमारे पास जलीय आपदा, जलीय आपदा के अंदर जैसे सबसे प्रमुख है वो है हमारी बाढ़ आती है, उसके बाद लिम्निक उद्गार आता है, फिर है सुनामी, फिर है बादल का फटना। और उसके बाद दोस्तों अगर मौसमी आपदा की बात करें तो इसके अंदर बर्फानी तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, सूखा आ गया। दोस्तों सूखे से एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा होती है वो किस वजह से होती है, तो उस टाइम पे ये करीब 2012-13 में आया था, उस टाइम पे सूखा था। लेकिन आज के टाइम में हो सकता है कोई और प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी हो, तो वो हम आगे देखेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास जैसे कि गर्म लहर है, जैसे लू वगैरह चलते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है, फिर है जैसे शीत लहर, फिर है हरिकेन। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे टॉर्नेडो हो गया, उसके बाद है दोस्तों जैसे कि आकाश गंगा के अंदर हमारी जो जो आपदाएं होती है, जैसे उल्का पिंड एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं वो हो गया। और उसके बाद जैसे कि मानव के द्वारा जो जो आपदा हो सकती है वो क्या हो सकती है, जैसे वायु एवं जल प्रदूषण, ये एक बहुत बड़ी आपदा आज के टाइम में बन रही है। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी को जब हम काट रहे हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारा। बांध जनित भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, तो काफ़ी तरह की ऐसी क्रियाएं हैं जो मानव करता है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में जैसे हम बात करें कि रासायनिक आपदा, रासायनिक आपदा के अंदर जैसे कि नाभिकीय विस्फोट हो गया, रेडियोथर्मी विकिरण हो गया, सागर में तेल वाहक टैंकरों से पेट्रोलियम का रिसाव हो गया। और उसके बाद हम जैसे बात करें जैविक आपदा, जैविक आपदा के अंदर जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गया, युद्ध का आक्रमण हो गया, महामारी हो गई, यानी कि कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में फैल गई है।
तो ये होता है। और उसके बाद में जैसे प्रौद्योगिकी आपदा की बात करें तो हम इसके अंदर परिवहन दुर्घटना हो गया, यानी कि हर साल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, और औद्योगिक दुर्घटना होगी, नाभिकीय युद्ध वगैरह हो गया, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्रौद्योगिक आपदा के अंदर आती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन टाइप में से पहले आ चुका है, तो आप थोड़ा एक बार ध्यान से दे लेना, शायद क्या पता उसी में से क्वेश्चन आ जाए। और अब बात करके दोस्तों जैसे कि भूकंप है, भूकंप है इससे क्या क्या इफेक्ट होता है और आज तक कहाँ कहाँ पे कितना भूकंप आया है। पृथ्वी की सतह से अचानक हिलने को भूकंप या भूचाल कहते हैं। इसमें धरती की दरारें पड़ जाती है, तेज झटके लगते हैं। और इसमें से एक बार क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि जो भूकंप है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर था दोस्तों रिएक्टर स्केल और मरकेली स्केल था। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दे लेना इसके अंदर। और दोस्तों रिएक्टर जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 10 पॉइंट तक होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए 0 से लेकर 1.9 तक जो होता है उसको सिज्मोग्राफ से ही मापा जा सकता है। और अगर तूफान हमारा 2 से 2.9 तक आए तो हल्का सा कंपन होता है, और 3 से 3.9 आए तो कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा एहसास होता है। तो पूरा का पूरा दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि 5 से लेकर 5.9 तक आए तो फर्नीचर हिल सकता है, और 7 से 7.9 आए तो इससे क्या होता है दोस्तों, इमारत गिर जाती है, जमीन के अंदर पाइप फट सकता है। और जो दोस्तों 9 और 9 से ऊपर का जो होता है वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, इसमें बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। तो इसको आप एक बार देख लेना दोस्तों, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था। और इसमें से एक बार ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो रिएक्टर स्केल के ऊपर जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे कि मान के चलते 3 से ये 4 पे जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। अगर हम मान के चले कि यहाँ से ये 1 से पढ़ के 3 हो जाता तो इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो ये होता है इसका मतलब। तो इसमें से इस तरह से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की प्लेटों में हलचल और टकराने की वजह से भूकंप आता है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, इसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुनामी की। अब देखिए सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की तरंगे, यानी कि जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र के पास जो घाट होते हैं उन पर बहुत बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, समुद्र तल में हलचल, भूकंप, दरार, विस्थापन इत्यादि हो जाता है। और ये जो लहरें हैं दोस्तों ये 15 मीटर ऊंची तक हो सकती है, रफ्तार दोस्तों 400 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। और दोस्तों 2004 के अंदर हिंद महासागर में सुनामी आने से 2.8 लाख लोग मारे गए थे, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों हम चक्रवात यानी कि तूफान की। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे देश में चक्रवात प्राय बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये समुद्र की सतह पर निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न होते हैं। ये तेज़ हवाएँ बारिश के साथ गोलाकार रूप में दौड़ते हैं जो समुद्र तट पर जाकर भयंकर विनाश करते हैं। यह रफ्तार के अनुसार 1 से 5 श्रेणी तक होते हैं। इनकी गति दोस्तों 280 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और देश में 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करें कि हमारे पास है सूखा। अब देखिए सूखे के अंदर क्या होता है, सूखे में किसी भी स्थान पर कई महीनों सालों तक कोई वर्षा नहीं होती, जिसके कारण भूजल का स्तर बिल्कुल नीचे गिर जाता है। और ज़्यादातर जो सूखा है दोस्तों वो राजस्थान के अंदर रहता ही रहता है, और इससे दोस्तों हमारा जो खेती पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अब ये देखिए दोस्तों 3 तरह का हो सकता है, एक मौसमी सूखा हो सकता है, एक जलीय सूखा हो सकता है, और एक कृषि संबंधी सूखा हो सकता है। कई महीनों तक वर्षा नहीं होने से भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जब ट्यूबवेल वगैरह से बहुत ज़्यादा हम पानी खींचने लग जाते तो वहाँ पर और भी ज़्यादा स्थिति खराब होने लग जाती है। और उसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों हिम संकलन, यानी कि जो हमारे बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वो पिघलने से क्या होता है कि हमारा जो समुद्र का सतह है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इससे काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी में पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा राख गैस का तीव्र विस्फोट होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब राख निकलती है या गर्म
हवा निकलती है या फिर आग निकलती है तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे कि एक तो ज्वालामुखी होता है कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे, और एक हो सकता है कि कभी कभार हो। और इससे क्या होता है दोस्तों, इसी वर्ष 2018 में, यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं, ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट होने से 33 लोगों की मौत हो गई थी, 20 लोग घायल हो गए थे। ज्वालामुखी का धुआं बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें जो धुआं होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, और विस्फोट होने पर यह 100 किलोमीटर से अधिक के दायरे में फैल जाता है। और उसके बाद में जैसे महावारी, यानी कि जो हमारे अक्षेत्र में बहुत बड़ी बीमारी फैल जाए तो उसे हम महावारी कहेंगे। और जैसे कि यह काफ़ी तरह से हो सकता है दोस्तों, जैसे कि हवा के अंदर कोई वायरस फैल जाए तो उससे भी हो सकता है, या फिर पानी के अंदर कुछ गलत चीज़ मिल जाए तो उससे भी हो सकता है। 2009 में पूरे विश्व में H1N1 इन्फ्लुएंजा, यानी कि स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल गई थी, इसके बारे में हम सभी को पता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। अमेरिका में तूफान, अमेरिका में सैंडी कैटरीना टोर्नेडो तूफान अब तक हज़ारों लोगों की जान ले चुके हैं। दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैटरीना तूफान है वो कहाँ पे आया था, तो वो दे देंगे भारत, अमेरिका या फिर जापान, इस तरीके से दे देंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। वर्ष 2012 को आए इस तूफान से हालांकि ज़्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन इसने पूर्वी तट से लेकर ग्रेट लेक तक 1300 किलोमीटर का इलाका तबाह कर दिया था, और इससे अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सैंडी तूफान। सैंडी तूफान के कारण अमेरिका में जल प्रलय की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस तूफान की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, हमें ये रखना है कि जैसे सैंडी तूफान है वो कहाँ पर आया था, ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि ईरान में भूकंप आया था, तो इसमें 2012 के अंदर आया था, इसने क्या किया था दोस्तों, 306 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे। और उसके बाद में जैसे कि हम बात करें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जैसे कि जापान में आई सुनामी, 2011 को जापान में आई सुनामी ने पूरे देश को चपेट में ले लिया। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी से परमाणु बिजली संयंत्र में विस्फोट हो गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। भूकंप की वजह से परमाणु बिजली संयंत्र में विस्फोट हो गया था, और इस विस्फोट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। और इस तूफान से क्या हुआ था दोस्तों, वो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि जो परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप आसानी से पढ़ लेना। और उसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों, जावा सुमात्रा द्वीप में सुनामी, 2004 में 9.3 तीव्रता से भूकंप के चलते हिंद महासागर का सीना सुनामी से दहल गया था। दोस्तों 9.3 जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, इसके अंदर सब कुछ तबाह होने की संभावना होती है। सुनामी से दोस्तों 14 देश प्रभावित हुए थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड थे। और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख तूफान वगैरह दिए हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि भोला साइक्लोन है वो कहाँ पे आया था और किस ईयर में आया था, इस तरह से क्वेश्चन इनमें से आए हुए हैं, जैसे कि इसमें एक सुनामी का आया हुआ था। और आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे ये है यहाँ पे, ये भी आप देख लेना, एक साइक्लोन से आया था, एक हरिकेन से भी क्वेश्चन आ चुका है। और अब बात करें दोस्तों जैसे कि रिसेंट की बात करें कि 2018 में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा ये क्या क्या हुई थी वो हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, सितंबर में इंडोनेशिया में आए भयानक तूफानों और सुनामी में करीब 2783 लोगों की जान चली गई थी। और ये जो तूफान था दोस्तों 7.5 तीव्रता का तूफान था, और इसके अंदर 3,30,000 लोग प्रभावित हुए थे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट, और इस विस्फोट में क्या हुआ था दोस्तों, 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ पे आया था, मध्य अमेरिका के अंदर आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे कि केरल के अंदर बाढ़ आई थी, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल में अगस्त में आई भीषण बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 477 लोगों की जान चली गई थी, हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। तो ये थोड़ा
करंट का है दोस्तों, ये शायद क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन। और 2018 में दोस्तों जापान के अंदर बाढ़ आई थी और इससे क्या हुआ था कि 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। नंबर 5 पे दोस्तों पाकिस्तान में हीट वेव का प्रकोप रहा था, इससे क्या हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में मई में जो तापमान है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया था, जिससे क्या हुआ तेज़ गर्मी, बिजली की कटौती और रमज़ान का महीना होने की वजह से शहर में करीब 180 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहां से शायद एक क्वेश्चन आ जाए करंट में। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जैसे रेड बुक डेटा है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। देखिए पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप व जीव जंतुओं की उपस्थिति को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी पर काफ़ी तरह के जीव जंतु रहते हैं और जिनमें से काफ़ी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो इन सभी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों जैव विविधता हमारी कितनी तरह की होती है। मुख्य रूप से ये 3 तरह की होती है दोस्तों। सबसे पहले होती है आनुवंशिक विविधता। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ही जीव जंतु है वो अलग अलग अक्षेत्र में अलग अलग तरह से पाया जाता हो। जैसे कि हम बात करें सांप, सांप हमारा काफ़ी प्रजातियों के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम धान की बात करें तो धान की प्रजातियां 50,000 से अधिक पाई जाती है। आम की जो प्रजातियां हैं वो 1,000 से ज़्यादा पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें जैसे जातीय विविधता। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। जैसे पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में तरह तरह की अभ्यचर जातियाँ रहती है। और आगे हम बात करें जैसे पारिस्थितिक विविधता, यानी कि जो हमारा भौगोलिक अक्षेत्र है उस हिसाब से जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, पतझड़ वन आदि की पारितंत्र विविधता नॉर्वे से अधिक है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रेड बुक डेटा लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि कौन सी जो जाति है वो संकटग्रस्त है, विलुप्त होने की कगार पे है या जो विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। अगर इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ देखें कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 के अंदर फ्रांस के अंदर हुई थी और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, जूलिया था। यहाँ पे आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि श्रेणी, अब श्रेणी की बात करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। ये जो रेड बुक डेटा है ये 9 श्रेणियों में विभाजित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विलुप्त जाति की। जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचाओ तो उसे हम क्या कहेंगे, विलुप्त कहेंगे। और उसके बाद में जो सेकेंड कैटेगरी आती है वन विलुप्त, यानी कि वो जाति जो केवल वनों से विलुप्त हो गई हो और कहीं ना कहीं और दूसरे क्षेत्र में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वन विलुप्त कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों घोर संकटग्रस्त, यानी कि ऐसी प्रजाति जिनका जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो। और उसके बाद है दोस्तों संकटग्रस्त, जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो उसे कहेंगे। और उसके बाद है दोस्तों असुरक्षित, असुरक्षित के अंदर जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो उसे हम कहेंगे असुरक्षित। तो दोस्तों यहाँ पे 9 कैटेगरी दी हुई है, आप इन 9 की 9 को पढ़ लेना और साथ के साथ हमने इंग्लिश में भी इनके नाम दिए हुए हैं तो आप ये भी पढ़ लेना। और जैसे कि अब हम बात करें दोस्तों अभी जो जुलाई 2018 के अंदर जो लिस्ट आई थी उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई वो हम देखते हैं। विश्व की 26,000 से अधिक प्रजातियाँ संकटग्रस्त चल रही है। और इसके अंदर दोस्तों और जो चीज़ है वो हम देख लेते हैं, IUCN द्वारा जारी लाल सूची में अब प्रजातियों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 93,570 हो गई है। जितनी भी 9 कैटेगरी है उनके अंदर कितना है, टोटल 93,570 है। और जिनमें से जो अधिक संकटग्रस्त है वो कौन सी है दोस्तों, 26,197 प्रजातियाँ अधिक संकटग्रस्त है। और आगे हम जैसे बात करें कि अब तक
छह प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जिससे कुल विलुप्त प्रजातियों की संख्या बढ़कर 872 हो गई है। और उसके बाद जैसे 1700 प्रजातियां नाजुक स्थिति के अंदर अभी चल रही है। और उसके बाद हम जैसे बात करें कि नई सूची के अनुसार 19 प्रजातियां जो पहले से ही संकटग्रस्त थी, उनका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ा दिया गया है दोस्तों, वो अब खतरे की घंटी के अंदर आ गई है, खतरा और बढ़ गया है उनके ऊपर। और जैसे कि हम बात करें इसमें फुफुशिमा परमाणु दुर्घटना, कृषि रसायनों से अत्यधिक प्रयोग के कारण जापान का दो केचुआ प्रजाति तथा ऑस्ट्रेलिया का बारटेली अब धीरे धीरे संकटग्रस्त श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में शामिल हो गया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है। और उसके बाद जैसे हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की 7% सरीसृप, जिनमें छिपकली एवं सांप भी शामिल है, विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। और जैसे कि हम इसमें बात करें कि वैज्ञानिकों के अनुसार अब खतरा जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा जैव विविधता के नष्ट होने से है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है कथन अभिकथन के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों इसमें से पहले तो वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी आप एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना, शायद क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अंशी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका के अंदर। भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा के अंदर। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, आप देख लेना दोस्तों। जैसे कि डाची गांव कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर है, ये सारी की सारी आप एक बार देख लेना, क्या पता शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर जैविक विविधता सम्मेलन, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि रामसर सम्मेलन हो गया हमारा, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, और क्योटो प्योटो प्रोटोकॉल है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन यानी कि CBD की स्थापना विभिन्न सरकारों द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरिया यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस दौरान दोस्तों 193 सरकारों द्वारा इस पर साइन किए गए थे। और इसके अंदर क्या खास बात थी वो भी हम देख लेते, इसका जो उद्देश्य है वो देखते दोस्तों। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना था। और इसे दोस्तों अक्सर सतत विकास के संबंध में देखा जाता है, यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल के रिलेशन के अंदर इसको देखा जाता है। और इसके इसके जो दोस्तों 2020 तक जो लक्ष्य है वो हम देख लेते हैं। 2010 के अंदर जापान में CBD पक्षकारों के सम्मेलन में 193 देशों की सरकारें एकत्रित हुई थी, और इस दौरान दोस्तों एक 20-सूत्रीय योजना को अपनाया गया था जिसे 10 सालों में लागू किया जाना था। और इसके इस दौरान क्या करना था दोस्तों, 10 सालों के अंदर विश्व में 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना, 2020 तक हमारे महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करना था। इसके दो मुख्य लक्ष्य ये थे। और उसके बाद दोस्तों और भी काफ़ी तरह के हमारे सम्मेलन हुए थे, उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और उसमें उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारे पास UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसकी जो ये फुल फॉर्म है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें देखते हैं दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट बात थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। दोस्तों बहुत बार इसमें से ऐसे क्वेश्चन आया है कि इसका उद्देश्य क्या था, जैसे कि हम बात करें पेरिस सम्मेलन है उसका क्या उद्देश्य था, और जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका क्या उद्देश्य था। तो इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आए हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा UNFCCC है इसका जो उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना था, ये हमें पता होना चाहिए। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। और इसमें और चीज़ देखते हैं दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट है।
1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है और इसी के तहत दोस्तों 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ था। अब ये जो क्योटो समझौता है दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र बार बार होगा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या चीज़ है। UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज़ के नाम से माना जाता है। दोस्तों जो UNFCCC है इसके अंदर काफ़ी देश भाग लेते हैं, तो उन सभी देशों की एक पार्टी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज़ यानी कि COP के नाम से पुकारा जाता है। और इन पार्टीज़ की जो बैठक होती है दोस्तों, जो सम्मेलन होता है, हर 2 साल के अंदर होता है और उनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो COP के जितने भी सम्मेलन हुए हैं आज तक, उन सभी पे मेन पे हम बात करते हैं। COP का जो सबसे पहला सम्मेलन है दोस्तों ये 1995 को हुआ था और ये जो सबसे पहला सम्मेलन है ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों 1997 का जो हुआ था उसका क्या परिणाम निकला था, क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि COP 8 हुआ था ये दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद में 4 नंबर पे है दोस्तों COP 11, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे और इसको मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान भी कहा जाता है। इसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 तक बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा है इम्पोर्टेंट COP 15, ये 2009 के अंदर हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन के अंदर हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों इसमें क्या था कि सदस्य देश कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद दोस्तों COP 16 2010 में हुआ था, ये हुआ था कैनकुन के अंदर हुआ था और इसके अंदर हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों COP 18 2012 में हुआ था, ये दोहा कतर के अंदर हुआ था, इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 10 नंबर पे, वर्ष 2015 में आयोजित COP 21, इसके अंदर दोस्तों एक ऐतिहासिक पेरिस सम्मेलन हुआ था और इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अभी का करंट का जो हुआ है वो हुआ है COP 24, ये दोस्तों 2 से 15 दिसंबर 2018 को पोलैंड के कोटिविस के अंदर हुआ था। इसकी जो खास बातें थी वो हम देख लेते हैं। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों, तौर तरीकों, नियमों को अंतिम रूप देना। और दूसरा था दोस्तों सुविधा प्रदान करने वाले तालानोवा संवाद 2018 का समापन करना, ये इसकी 2 मुख्य बातें थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारी प्रोटोकॉल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल, ये 2011 के अंदर हुई थी। नगोया प्रोटोकॉल जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और ये क्या है दोस्तों, अनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में अपनाया गया था और 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को इसे स्वीकार किया गया था। इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत की दृष्टि से हम देखते हैं, ये हमें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। भारत के लिए यह प्रोटोकॉल अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने आनुवांशिक संसाधनों एवं उसके जुड़े पारंपरिक ज्ञान के बायोपायरेसी, अब दोस्तों बायोपायरेसी हमें पता होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल हमने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है और वो कोई चुरा के ले जाए तो उसे हम कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, आनुवांशिक संसाधनों एवं उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान, यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत पारंपरिक ज्ञान है दोस्तों, तो उसकी कुछ चोरी हो गई थी, अनुचित उपयोग का पीड़ित रहा है जिसे अन्य देशों में पेटेंट करवाया गया, यानी कि भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है दोस्तों जो पारंपरिक, जैसे कि हम बात करें कि हल्दी वगैरह, नीम वगैरह हो गया, उनसे हमने कई दवाइयां वगैरह बनाई है तो उनका पेटेंट किसी और देश ने करवा लिया है, तो इस वजह से भारत इससे काफ़ी दुखी रहा था। तो ये जो नगोया प्रोटोकॉल थी इसके अंदर ये मुद्दा उठा था, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारे पास है जैव सुरक्षा पर कार्टगेना प्रोटोकॉल 2000 के अंदर हुई थी।
इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यानी कि इसके अंदर ये बात कही गई है कि दोस्तों जो हम परिवहन वगैरह चला रहे हैं वो इस तरीके से चलाएं जिससे हमारा काम भी बन जाए और हमें हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी जो पर्यावरण है उस पर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके अंदर ये बात कही गई थी। और उसके बाद है दोस्तों आईची जैव विविध उसके बाद है दोस्तों हमारे पास आईची जैव विविधता लक्ष्य है। आईची लक्ष्य या टारगेट का संबंध जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो जैव विविधता का दबाव है वो ज़्यादा ना डाला जाए और उसको, उस दबाव को कम करके उसका जो लाभ है वो सभी को दिया जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। आईची लक्ष्य में मुख्य रूप से 5 रणनीति लक्ष्य है। दोस्तों आप ये यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल आसान आसान है, बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप पढ़ लेना इसको। आगे बात करते दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास रामसर सम्मेलन। ये हुआ था दोस्तों 1971 के अंदर हुआ था और दोस्तों रामसर सम्मेलन एकमात्र अंतरशासी संधि है जो अद्र भूमियों यानी कि वेटलैंड से संबंधित है, उनके संसाधनों के संरक्षण और उपयोग से संबंधित है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसे आद्र भूमियों पर सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें से करीब 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, शायद क्या पता इसमें से अब की बार भी क्वेश्चन आ जाए। रामसर सम्मेलन के कारण ही 2 फरवरी को विश्व आद्र भूमि दिवस मनाया जाता है और रामसर सम्मेलन का जो सचिवालय है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ये चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। संगठन का जो उद्देश्य है वो वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है, तो ये इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर दोस्तों WWF वर्ष 1998 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये चीज़ भी हमें पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ थी हमारी रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है वो भी हमें पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पिछली जो वीडियो है उसके अंदर बताई थी। और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जनेरा सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, ये चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। और दोस्तों ये जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन को 1972 में स्कॉटहोम में हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की परिणति कहा जाता है। यानी कि इसका जो पृथ्वी सम्मेलन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, वो हुआ था मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुआ था, ये चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं दोस्तों वो आप यहाँ से देख लेना, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप इस पृथ्वी सम्मेलन की जो 2 उपलब्धियां थी दोस्तों उन पे हम बात करते हैं, पहली है एजेंडा 21 और दूसरा है रियो घोषणा। अब देखिए एजेंडा 21 यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि राज्य जो है वो एजेंडा से बाध्य नहीं है, एजेंडा 21 से बाध्य नहीं है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अपनाना ही अपनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी इच्छा है वो अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते। और इसके जो मुख्य जो उद्देश्य है वो हम देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक तो जैसे गरीबी को दूर करना, उपभोग के ढंग को सही करना, स्वास्थ्य है, वित्तीय उपभोग है, उद्योग। एजेंडा 21 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1993 में एक आयोग स्थापित किया गया था जिसे दोस्तों सतत विकास पर आयोग कहा जाता है, तो ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास रियो घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की एक महान उपलब्धि है। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका रियो घोषणा से सहमत नहीं था,
किंतु बाद में उसने भी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। ये चीज़ भी हमें याद रखना जरूरी है दोस्तों। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा में 27 सिद्धांत है। आगे दोस्तों हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 के जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्यों स्थापित की गई थी, तो उसका उद्देश्य था दोस्तों भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए। इस सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया था। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, 5 वर्षों के लिए 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। और वो कौन कौन सी थी दोस्तों, एक तो थी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी थी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है सल्फर क्लोराइड, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारी 6 गैसें थी, इनके उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य था। और इसके अंदर क्या है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं कि जो पहली अवधि थी दोस्तों वो कितनी थी, 2008 से लेकर 2012 तक थी। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो अवधि थी उसे बढ़ा दिया गया था, और वो कितनी हो गई थी दोस्तों, 2013 से लेकर 2020 तक हो गई थी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम पेरिस समझौता 2015। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क यानी कि जिसे हम CNFCCC कहते हैं, उस दौरान अपनाया गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यही बनता है कि 2015 में इसे अपनाया गया था, और इसे दोस्तों COP21 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर और क्या खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना था, यानी कि सभी देशों को ये बहुत ध्यान रखना था कि उनके जो भी कारखाने वगैरह है, उद्योग हैं, उनके द्वारा जो तापमान है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए सक्रिय प्रयास करना था। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। और आगे हम बात करें दोस्तों, अगर आप चाहे तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे थोड़ी और हमने चीज़ें दी हुई है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2008। ये दोस्तों ये इंडिया का प्लान है। इसके अंदर हम देखते क्या था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना यानी कि NAPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था। यह उन संसाधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। और इसके अंदर दोस्तों जो मुख्य चीज़ है, मुख्य इसके 8 मिशन है दोस्तों, तो वो 8 मिशन हम एक बार देख लेते हैं। इसका एक तो है राष्ट्रीय सौर मिशन, और फिर है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, फिर है राष्ट्रीय जल मिशन। और इस तरह से दोस्तों ये 8 मिशन है, 8 के 8 आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, इन 8ों को आप एक बार पढ़ लेना, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।